third standard. I am welcoming you in maths lecture. In previous lecture we have discussed this sum, right? In Dhoni wala ki bhai Dhoni ki century banegi ya nahi, fir kuch aur players the yahan par ki unki century complete karne mein hame sorry aur kitne run banane padenge, to wo humne sikha tha. To ye hamara lecture 7 yahan par aaj start ho raha hai. ये है हमारा लेक्चर 7 के जिसमें आपको 99 से आगे की काउंटिंग सीखनी है. यहाँ पर देखो ये एक बच्चा है जो आपको 99 से आगे के नंबर मतलब आफ्टर नंबर सिखा रहा है. तो यहाँ देखो एक कछुआ धीरे धीरे जा रहा है, 99 के बाद 100, 101, 102 ऐसे गिनती आगे बढ़ती जाती है. तो यहाँ पर हम ये गिनती नंबर एंड नंबर नेम, ये है उसके फिगर्स, इसको क्या बोलते हैं, फिगर मतलब नंबर और इन वर्ड मतलब उसको स्पेलिंग में कैसे लिखते हैं उसको वर्ड बोलते हैं. तो फिगर में 99 ऐसे लिखते हैं और वर्ड में NINETY 90, NINE 9. फिर 100 तो 100 का स्पेलिंग है, 101 यहाँ पर ये 102 फिगर में लिखा है, तो आपको किस में लिखना है, वर्ड में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 102, 100 थी तो 103, 104, 104, 104 के बाद क्या आएगा 105, तो इसका स्पेलिंग 106, 107, तो हम उसका स्पेलिंग लिखेंगे 107. 107 के बाद कौन सा नंबर है, 108, 111 के बाद कौन सा नंबर आएगा 112, तो 112 ऐसे आप गिनती करते जाओगे, 120, 130, 140, 50, 160, 170, 180, 190. फिर यहाँ पर आपको वापस 195 से गिनती दी है. मैंने आपको होमवर्क में भी दिया है 100 से 200 ऐसे फिगर में और ऐसे वर्ड में आपको वो लिखना और लर्न करना है. 195, 196, तो 196, 197, 197, 198, 198 के बाद कौन सा आता है 99, तो 198 के बाद कौन सा आएगा 199, 200, 200 का स्पेलिंग 200, फिर 200 के बाद फिर 1, 2, 3, 4 स्टार्ट हो जाता है, तो 201 के बाद कौन सा नंबर आता है 202, तो हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे 202, 203, 203, 3 के बाद 4, तो 200, 4, 200, 4, 200, 5, 200, 5, 200, 6, 200, 6, okay, 200, guess how many more to make ट्रिपल सेंचुरी. ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300. तो अगर हमें ट्रिपल सेंचुरी बनानी है तो हमें और कितने रन चाहिए 206 में, तो हमें भाई सेंचुरी में कितनी सेंचुरी बनानी है, तो कि ट्रिपल मतलब हमें 300 रन चाहिए और हमारे बने कितने 206, तो उसमें से 206 हम लेस कर देंगे. जीरो में से 6 लेस नहीं होता है तो यहाँ से कैरी करेंगे, इसके पास भी नहीं है तो यहाँ से कैरी करेंगे,
तो यहाँ बचेंगे दो, यहाँ से हमने कैरी करके यहाँ लिया, हुए 10, 10 में से वापस कैरी करके यहाँ एक दे दिया, तो यहाँ बचे 9, यहाँ हुए 10, 10 में से 6 लेस होंगे तो बचेंगे कितने। तो यहाँ देखो मैं आपको उंगलियों पे गिनना दिखा रही हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है, तो ये हमारे 10, उसमें से हम कितने कट करते हैं 6, तो रिवर्स में कट करेंगे, यहाँ 10 था ना, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कट हो गए, तो कितने बचते हैं, तो कि 1, 2, 3, 4 कितने बचते हैं 4, यहाँ पर 9 है, 9 माइनस 0 तो 9, 2 माइनस 2 तो 0, तो सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए 206 में हमें 94 रन और चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया सम, अभी इस पेज पर आते हैं। टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो सबसे 10 खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए उसका स्कोर बताया है, ये यहाँ पे प्लेयर के नाम है, यहाँ पे उसके स्कोर है, यहाँ पे भी प्लेयर के नाम है उसके स्कोर है, इसको देखकर हमें यहाँ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सी के जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, यहाँ पे देखो ये सी के नाम का प्लेयर है, उस वो सेंचुरी चूक चुका है कितने रनों से, हाउ मैनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी, तो एक सेंचुरी बनाने के लिए उसको कितने रन और चाहिए, तो हमको पता है कि हमें सेंचुरी बनाने के लिए कितने रन चाहिए 100, और सी के ने कितने बनाए हैं 99, तो 100 में से हम 99 लेस करेंगे, 0 में से लेस नहीं होंगे, तो यहाँ से हम कैरी करते हैं, यहाँ बचा 0, यहाँ 10, यहाँ पर 10 में से वापस यहाँ कैरी करेंगे, यहाँ बचे 9, 10 में से 9 लेस करते हैं, तो ऐसे उंगलियों पे, यहाँ पे 10 हो रहा था उसमें से 9 लेस कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो 9 कट हो गए, तो कितना बचा 1, तो यहाँ बचा 1 और 9 माइनस 9 0, तो उसको सिर्फ सेंचुरी में कितना रन बाकी है 1, और ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो आपको मैंने काउंटिंग सिखाई है 101, 102 है ना, तो यहाँ पर आपको मैंने सिखाया था ये 99 के बाद कौन सा नंबर आता है 100, तो 99 में जब हम एक रन ऐड करते हैं तो 1 आता है ना 99, फिर 100, फिर और एक ऐड किया तो 101, मतलब एक एक रन का डिफरेंस होता है एक एक नंबर का, तो 99 के बाद आप काउंट करो, 99 के बाद कौन सा नंबर आता है 100, तो अगर 100 बनाना है तो 99 में 1 ऐड करना पड़ेगा। चलो दूसरा, डेस एंड डे स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल रन्स, चलो एक जैसे रन यहाँ पर किसके हैं, चलो देखते हैं, ये 128 है, चलो 128 जैसा किसी का है, हाँ भाई है, इसका है 127, तो एक तो मिल गया, 100 जिसका है तो भाई इसका 99 है, तो इसका भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन दोनों के नंबर में ये 3 नंबर है, यहाँ पे 2, मतलब वो नहीं चलेगा, 162 जिसका है किसी का नहीं है, 162, 161, 163 किसी का नहीं है, 152 ऐसा किसी का नंबर है, 151, 153 ऐसा नहीं है, तो मतलब हमको मिल गया कि APJ और VVS इन दोनों के नंबर एक जैसे हैं, देखो दोनों में एक ही नंबर का डिफरेंस है, तो हम क्या लिखेंगे कि APJ एंड VVS इसका स्कोर लगभग एक जैसा है। तीसरा, डे स्कोर अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर, चलो यहाँ पे सेंचुरी किसकी है, सेंचुरी मतलब 100 रन,
तो 100 रन किसके दिख रहे हैं? यस, एएस के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एएस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर, मतलब किसी एक बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन किसने किए हैं? तो देखो इस लाइन में 120 सबसे ज़्यादा हुआ, फिर 162 है, फिर 162 से ज़्यादा 178 है, 178 से ज़्यादा किसी का नहीं है। तो सबसे ज़्यादा रन किसने किया? तो के एमडी ने। किसने किया? एमडी ने। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश है डिफरेंस ऑफ जस्ट वन रन बिटवीन देम, तो किसने किसके रन के बीच में सिर्फ एक रन का डिफरेंस है? तो हमने बताया था कि एपीजे है ना और वीवीएस, इन दोनों के बीच में एक ही रन का डिफरेंस है ना। हाँ एक और भी है, ये एएस और सीके, इसका भी एक ही रन का डिफरेंस है। तो आप इसके साथ ये भी लिख सकते हो, एएस एंड सीके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डे स्कोर टू मोर देन वन।